तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास चलेगी बर्मिंघम लंदन जर्मनी और ब्रिस्बेन में, तो बाबा का फूल वहां लगेगा और महक चंडीगढ़ तक आएगी साहब, महक पूरे इंडिया में आएगी। लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना करवाना चाहते हैं। हे श्याम बाबा, जैसी कृपा इस गोयल परिवार पे करी, यहाँ जितने परिवार आए हैं, ऐसी कृपा इन पर भी करना कि आपका कीर्तन ऐसा ये भी करवा सके। कौन कौन करवाना चाहता है जरा मिलके, एक दो तीन बाद में। मैं दिल से बता रहा हूं, कोई मिला या नहीं मिला बैठ जाओ। देखो 5-7 मिनट और है, मैं 8 बजे चला जाऊंगा क्योंकि समय की गरिमा है। फरीदाबाद में कोई मिला या ना मिला, लेकिन मुझे बड़े भाई जरूर मिले यहां, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन भर चलते रहे, चाहे वो विनय गोयल जी हो, चाहे वो हमारे अजय गौड़ जी हो। जब ये दिखते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ जाए तो नहीं है, लेकिन वाकई मेरे साथ मेरा बड़ा भाई खड़ा है। मैं कुछ भी कह सकता हूं इनको, कुछ भी दिल की बात कर सकता हूं। और ये आपके पास दौलतें हो सकती हैं, यही बैठ जाओ, शौहरतें हो सकती हैं, लेकिन उन शौहरतों को बांटने के लिए लोग भी चाहिए। अगर आपके पास कमाए हुए सामान को, कमाए हुए धन को आनंद लेने वाले लोग ही नहीं है, तो साहब आप दुनिया के सबसे गरीब आदमी हैं। लेकिन आपके पास कुछ है, आप 2 रुपए घर लेकर जाते हो, आपके बच्चे आपके परिवार उसका आनंद लेते हैं, तब आप करोड़पति हो। आप 100 करोड़ घर ले जाओ लेकिन घर में उसका इस्तेमाल करने वाला ही कोई नहीं है, तो आपसे बड़ा गरीब दुनिया में कोई नहीं है। हे श्याम बाबा, ये फरीदाबाद में इतना बड़ा परिवार मुझे मिला है, सच में ये मानना पड़ेगा
अगर किसी दिन मुझे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बाबा को मानने वाले और सबसे ज्यादा सनातनी पूरे हरियाणा में कहां है, तो मैं कहूंगा कि फरीदाबाद की धरती पे है साहब। जाकर देखो, जहां 4:30-4 बजे आकर बैठ जाते हैं दरबार में, 5-5 बजे आकर बैठ जाते हैं कि बाबा का कीर्तन होगा, इससे बड़ा बल क्या होगा। अयोध्या में दिवाली पे दिए जलते हैं, सरकार आने के बाद लाखों दिए जलने लगे, वो दिए तो जलते हैं लेकिन कईयों के दिल भी जलते हैं कि ये दिए क्यों जलने लग गए। ऐसे ही जब हुजूम आता है सनातनियों का तो दुनिया देखती है ये ऐसा कर क्या रहे हैं, ये कुछ और नहीं कर रहे, ये राम के सेवादार हैं, ये राम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें छेड़ना मत, हम वो है जो बाबा के नाम पर चलते हैं। दोनों हाथ खोल के लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, फिर तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, फिर तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। और समय का मैं सब गाना, मैं खाटू से बाबा, क्या बात है, मैं खाटू से बाबा तेरा इत्र ले आऊंगा, मैं खाटू से बाबा तेरा इत्र ले आऊंगा। देखो सीधा सा फंडा है, काम बनवाना हो तो इत्र चढ़ा के आ जाओ, और काम फ्यूचर में अपना कोई खास बनवाना हो तो इत्र वहां से ले आओ, इमरजेंसी हो तो चढ़ायाओ, बंगला बना देना तो इत्र ले आओ, लेकिन वो चढ़ाना मत जो लाओगे, अपने पास रखना। बोला जिस दिन काम कर देगा उस दिन के लिए पेंडिंग रख रखा है, उस दिन चढ़ा दूंगा यार। मैं खाटू से बाबा और तेरा इत्र ले आऊंगा, मैं खाटू से बाबा तेरा इत्र ले आऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा, तेरे खातिर सावरिया 56 भोग लगाऊंगा, मैं एक एक कर कर के हाथों से खिलाऊंगा, मैं एक एक कर कर के हाथों से खिलाऊंगा, कीर्तन कराऊं मैं इतिहास बना दूंगा, और आज समय कम था लेकिन फरीदाबाद 2 अप्रैल को हमारे गॉड जी के ही यहाँ आप सभी सादर आमंत्रित हैं, यहाँ बहुत बातें रह गई। 30 दिसंबर को बल्लभगढ़ है, बल्लभगढ़ 30 दिसंबर को है, आप आइएगा। उसके बाद 2 अप्रैल को यहाँ फरीदाबाद में ही बाबा का, पिछली बार हुड्डा ग्राउंड में था, वहीं पर बाबा का दोबारा दरबार लगेगा। लेकिन ये 2 लाइनें चलते चलते गाना, ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, भजनों से मैं तुझको सांवरिया रिझाता रहूं, भजनों से मैं तुझको सांवरिया रिझाता रहूं, कन्हैया मित्तल को कीर्तन में बुलाऊंगा, कन्हैया मित्तल को कीर्तन में बुलाऊंगा, आजकल कहीं गड़बड़ ना हो जाए इसलिए पूरा नाम बोला है, कन्हैया को कीर्तन में बुलाऊंगा, और कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, कीर्तन मित्तल का ही है पर कन्हैया एक ही है, कन्हैया मित्तल को कीर्तन में बुलाऊंगा, मैं कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना।